इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुजुकी के सारे मॉडल के बारे में, क्या कलर ऑप्शन हैं, क्या वेरिएंट्स हैं और क्या उसका प्राइस है और क्या फाइनेंस होने वाला है, ये सारा डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो फाइनेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक डिटेल ऐसे ही बता देता हूं। आपको 80-85% तक आपको फाइनेंस किसी भी गाड़ी पर हो जाने वाला है। इस वीडियो में हमारे साथ हैं परेश भाई जो सुजुकी से हैं, इनसे हम लोग थोड़ा सा हेल्प लेंगे और यही सारा डिटेल आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो फाइनेंस का जो बेसिक है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो 80-85% आपको हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या पड़ रहा है परेश भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डाउन पेमेंट करेंगे उसके ऊपर है। आप कम डाउन करेंगे तो 11.99 है और ज़्यादा करेंगे तो 7.99 भी है। अच्छा, और आप जीरो ईएमआई कॉस्ट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगा तो 6,500 है। उसमें 8,000, 9,000, 12 ये 3 महीने के लिए वो है रहता है। बस 6,500 रुपये प्रोसेसिंग फीस जाता है, सिर्फ 50,000 रुपये लोन हो जाते हैं। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिर्फ चार्जेस रहता है, सिर्फ बैंकिंग चार्ज, टैक्स, हाँ, डीलर मार्जिन वो सब रहेगा उसमें। अच्छा, मतलब 50,000 पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है। फीस है बस। अच्छा, तो एक बहुत अच्छा फीचर इन्होंने बताया, एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप सिर्फ 50,000 का फाइनेंस कराते हैं, बाकी यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फीस जो कि 6,000-6,500 वो पे करना है। 50,000 का ईएमआई बन जाएगा। कितने महीने तक के लिए? 8 महीना, 10 महीना और 12 महीना, 1 साल तक आप उसको 50,000 को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट जो है पे ही नहीं करना है। प्रोसेसिंग फीस तो वैसे भी सारे बैंक लेते हैं, 4,500-5,000 जितना तो हर बैंक लेता है। तो एनीवे, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। पहले हम लोग इसका वेरिएंट देख लेते हैं, बर्गमैन का। इसमें कितने वेरिएंट मिलते हैं, इसमें कलर ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं और इसका जो प्राइस है, इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें। तो परेश भाई, इसमें जो बर्गमैन है ये कितने वेरिएंट में मिल रही है? ये 2 वेरिएंट है, इसमें एक ब्लूटूथ आता है, एक विदाउट ब्लूटूथ। हाँ, तो ब्लूटूथ और विदाउट ब्लूटूथ। और जो दोनों का फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो तो सेम है? सेम है। कितने लीटर का है? 5.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी रखा गया है। और माइलेज आपको क्या मिल रहा है इसका? माइलेज आपको 45-50 के बीच में मिल जाएगा। 45-50 का मिल रहा है। और ऑन रोड प्राइस, स्ट्रीट का क्या प्राइस पड़ रहा है? का प्राइस 1,15,000 है और ब्लूटूथ का 1,20 है, तो 5,000 का डिफरेंस आ जाता है। और फीचर में क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ और इसमें इंटर बॉडी ब्राउन होता है और ब्लूटूथ में मोबाइल चार्जिंग ऐड होता है। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको 3 फीचर मिल जा रहा है जो ब्लूटूथ के साथ में आता है मॉडल। यहाँ पर ये देखिए, इसका जो इंटरनल बॉडी है ये ब्राउन कलर से आ जाने वाला है, कुछ ऐसे एक कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जबकि बाकी में आपको ये ब्लैक कलर से आता है। यहाँ पर जो स्ट्रीट का है और विदाउट ब्लूटूथ ये मिलने वाला है ब्लैक कलर से, तो ये एक फीचर चेंज हो जाएगा। और दूसरा, ब्लूटूथ वाले में जाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और ब्लूटूथ। तो ये 3 फीचर की वजह से आपका जो प्राइस है 5,000 बढ़ जाने वाला है। तो ये तीनों यहाँ पर आपको ये बर्गमैन दिख रहे हैं, इनफैक्ट 4। तो इसमें कितने कलर आते हैं परेश भाई बर्गमैन इसमें? स्ट्रीट में टोटल दोनों ही 5 कलर ही है। हाँ, स्ट्रीट में 2 मैट आएगा, 3 ग्लॉसी आएगा। अच्छा, तो 3 ग्लॉसी और 2 मैट के साथ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैट और ग्लॉसी दोनों का फिनिश मिल जाएगा। ब्लूटूथ में 3 मैट आएगा, 2 ग्लॉसी ब्लूटूथ में। अच्छा, ब्लूटूथ में 2 ग्लॉसी और 3 मैट आएगा। तो ये बर्गमैन है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सेस के बारे में। तो एक्सेस का कितना कलर अवेलेबल है अपने पास? एक्सेस में वेरिएंट वाइज है कलर, ब्लूटूथ में 4 कलर आते हैं, उसमें 2 मैट आएगा, 2 ग्लॉसी आएगा। अच्छा, और विदाउट ब्लूटूथ में? विदाउट ब्लूटूथ में भी सेम कलर, अभी नया कलर भी आया है, ग्रे कलर। अच्छा, टोटल 5 कलर है, पर 2 मैट आएगा, 3 ग्लॉसी आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो इसमें वेरिएंट के हिसाब से यदि देखें फीचर वाइज तो क्या फीचर वाइज इसमें ब्लूटूथ ऐड होता है। हाँ, टॉप मॉडल में और डिस्क ब्रेक भी आता है इसमें। अच्छा, विदाउट डिस्क भी आता है, ड्रम भी आता है उसमें, मेटल शीट और एलावेल दोनों का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर यदि टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो इसमें क्रोम फिनिश के साथ में ये मिल जाने वाला है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका कितना लीटर का है? टोटल 5 लीटर। और माइलेज आपको क्या मिल रहा है? माइलेज 50+ मिलेगा, यानी वेट कम है इसका। अच्छा, तो वेट कम होने की वजह से माइलेज यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है? ऑन रोड प्राइस इसका जाएगा 1,10,000 टॉप मॉडल का। टॉप मॉडल। और जो बेस मॉडल है उसका क्या पड़ने वाला है? बेस यानी डिस्क ब्रेक, विदाउट डिस्क रहेगा वो। हाँ, विदाउट डिस्क जाएगा तो उसमें 1,07,000 तक जाएगा। 1,07,000, तो सिर्फ 3,000 का डिफरेंस पड़ रहा है। डिस्क का ही फर्क है, सिर्फ डिस्क का चेंज है बस। और विदाउट ब्लूटूथ वाले में जाते हैं तो? विदाउट ब्लूटूथ में जाएंगे तो उसमें सेम रहेगा, क्रोम मिरर मोबाइल चार्जिंग रहेगा, उसमें आपको जाएगा 1,06,000 जाएगा, सिर्फ 1,000 का डिफरेंस रहेगा, पर उसमें डिस्क ब्रेक रहेगा आपको। अच्छा, उसमें डिस्क ब्रेक रहेगा। तो ये आपको एक्सेस में ये सब फीचर मिलने वाला है। और प्राइस परेश भाई ने आप लोगों को बताया, तो 1,06,000 से 1,10,000 के बीच में वेरी कर रहा है। और अवेनिश का बात करें तो ये स्पेशल कलर यहाँ पर अवेनिश का है, और यहाँ पर जो नॉर्मल कलर आता है तो ये आप देख लीजिए, ग्रे एंड ग्रीन कलर का एक कॉम्बिनेशन है। कितने कलर? व्हाइट है, इसमें 5 कलर है,
इसमें डबल कलर में आता है, ग्रीन आता है, ऑरेंज आएगा, व्हाइट आएगा, हाँ, और ये नया वेरिएंट है, ब्लू करके आया है ये। अच्छा, तो क्या प्राइस पड़ रहा है इसका? टोटल कॉस्ट जाएगा आपको 1,08,000। 1,08,000 रुपीज कौन से मॉडल का? इसमें सिर्फ कलर के लिए डिफरेंस है, तो ये कॉस्ट आपको 1,10,000 जाएगा इसका। 1,10,000 और इसका पड़ने वाला है 1,08,000 रुपया, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सब भी आएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितने लीटर का है? 5.2 लीटर। माइलेज क्या मिल रहा है? माइलेज 52 प्लस। अच्छा 52 प्लस, अच्छा ओके। और एक्सेस का एक यहाँ पर आप ब्लू कलर भी देख सकते हैं, ये बेसिक मॉडल है। बेस मॉडल में यहाँ पर आ जा रहा है इसका मेटल सीट। और अभी जो नई बाइक यहाँ पर लॉन्च हुई है इनकी, एडवेंचर बाइक, उसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो पहला कलर यहाँ पर आपको ये रेड मिल रहा है एडवेंचर बाइक का, और इसमें आपको टोटल तीन कलर मिल रहे हैं, पर कलर मिल रहे हैं येलो एंड ब्लैक, तो ये आपको मिल रहा है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है क्या पड़ रहा है? 2,45,000 में मिलेगा। 2,45,000। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी? फुल टैंक 12 लीटर्स। 12 लीटर का। माइलेज क्या मिल रहा? माइलेज आपको 30 तक मिल रहा, 30-35 के आसपास। तो ये स्टॉर्म था, और इसका जो दो कलर और अवेलेबल है यहाँ पर येलो, और एक लास्ट में आप कलर देख लीजिए वो ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक कलर। तो ये है सुजुकी जिक्सर। इसमें आपको इंजन के हिसाब से देखेंगे तो दो ऑप्शन मिल जाता है, 150 और 250, और इसमें आपको जो इसका मॉडल है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये फेयरिंग के साथ आता है, एक नेकेड में आता है। तो आपके सामने दोनों नेकेड में ही है। तो इसका जो प्राइस है क्या पड़ रहा है? नेकेड का 2,10,000 का, फेयरिंग का आपको जाएगा 2,20,000। उसमें हैंडल डबल बार आएगा, हाँ, फेयरिंग पूरा आएगा। और तीन कलर ऑप्शन इसमें मिलते हैं? नहीं, इसमें दो ऑप्शन है, एक ब्लू और मैट ब्लैक। अच्छा, और उसमें तीन है, 150 में तीन आएगा। वो 150 है, हाँ। अच्छा, 250 में यदि आप जाते हैं तो टोटल दो कलर ब्लू और मैट ब्लैक, ब्लू और मैट ब्लैक। और यदि SF 150 में जाते हैं तो इसमें तीन कलर मिल जाएगा, रेड ब्लैक और ब्लू, और तीनों ग्लास से मिलते हैं, तीनों ग्लास से, और उसमें कोई मैट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। SF 150 का क्या प्राइस पड़ेगा? 150 आएगा 1,60,000, और SF का 1,70,000। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों का सेम है? सेम, 12 बार। कितने लीटर का? 12 लीटर्स। 12 लीटर का। माइलेज 150 वाली कितना देती है? 40 प्लस मिलेगा। और 250 का क्या माइलेज? 35 का मिल रहा है। तो ये सारा डिटेल था, ये सारे मॉडल्स हैं जो सुजुकी में आप आकर ले सकते हैं, एक्सेस, बॉगमैन, अवेनिस, ऐसे आपको स्कूटर में तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। और यदि आप बाइक में जाते हैं तो आपको दो मिलेगा, एडवेंचर और जिक्सर, और जिक्सर में आपको दो वेरिएंट मिल जाएगा, 150 और 250। बराबर प्राइस, बराबर ये सब कुछ था। और फाइनेंस के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, और स्पेशल ऑफर जो इनका है 50,000 तक का फाइनेंस जो है वो इंटरेस्ट फ्री है, वो आप सिर्फ प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। बराबर, तो चलिए, थैंक यू परेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। तो ये सारा डिटेल था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।